2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के 28 दलों के बीच में सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लोकसभा में कांग्रेस के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की भाजपा से सीधी टक्कर है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में दादर और नागर हवेली समेत 23 सीटों पर शिवसेना लड़ती रही है और वह मजबूती से लड़ेगी। इन दोनों बयानों के बाद कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना आसान नहीं होगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के 28 दलों से सीट शेयरिंग देगी। यह जानकारी कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस से एक दिन ठीक पहले आई है और पार्टी ने इस दिन नागपुर में लोकसभा चुनाव का अपने तरीके से आगाज भी कर दिया है।